पहला दिन है लॉकडाउन का, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यू गाइस गोना लव इट, मजा आएगा। जो मजा है ना फुल हलाल है भाई, हलाल खा के बोले हलाल है, तो इसको अच्छा नहीं लगा, बोले आराम की नहीं भाई सब। इस बंदे ने बर्गर नहीं खाया जिंदगी में। अच्छा तो एक तो डायरेक्शन करता है, इज्जत की तरफ जा रहा हूँ और आदम को भी साथ चल रहे हैं मेरे। Yeah. इस तरह से बेटा मैं जाऊंगा तो टिकट पड़ जाएगा, पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा मुझे। भाई कौन हो यार, क्या आज का दिन नहीं है भीख मांगने का? या मैं मंजिल पे पहुंचा देता टाइम पे। भाई मास्क ले आना भाई, फाइन वाइन नहीं करा देना आज। आज पहला दिन है लॉकडाउन का और हम तीनों निकल गए, देखते हैं जो मिल जाए। एडिट करूंगा भाई, लंबी उम्र दे, हम एक एक एल्बम तो रिलीज करके इस दुनिया से जाए। यार क्या दिन थे सर, याद है हमारे जो अंदर रॉक म्यूजिक उतरी है ना, वो इन लोगों के थ्रू आई थी यार, जब उस वक्त हम लोग बड़े हो रहे थे। नूरी हो गया और सारे बैंड्स हो गए यार। मैं नुमान एवन जो है नूरी को ऑर्गेनाइज करवाया था, रात के 3 बजे तक मैं बैठा रहा और बस ये बोला जा रहा था स्टेज पे आगे कि बस अली नूर आने वाले हैं। ना बैठे हुए सारे मेरे दोस्त है, रेहान शायद ब्लॉग देख रहा हूँ, रेहान रात के 4 बजे गए, कोई नहीं आया, नहीं आया। कोई नहीं आया, फिर अबे धोखा हो गया यार, कसम से मुझे नहीं लगता वैसे पार्किंग टिकट वो सब फ्री है। कॉर्डन ऑफ हुआ ऑलरेडी, क्या कहता है ऑलरेडी जगह बंद हुई हुई बता रहा हूँ। तो यार बर्गर फैक्ट्री में ट्राई कर सकते हैं, क्या कहता है खाने में? लेकिन तू ना आज तक जिंदगी में यार इस बंदे ने बर्गर नहीं खाया जिंदगी में। बर्गर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, क्या कहता है? इसको आज खिलवा देंगे बीफ। नहीं यार सचिन तेंदुलकर चिकन भी है भाई, ये देखे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। नहीं और वहाँ सामने एक म्यूजिक की दुकान है, नहीं यार वहाँ पे भी जा सकते हैं, ये हमारे दो स्टार्स होंगे। फुल ऐसा लग रहा है अभी भी अच्छा। जूते तो बड़े टाइट पहने हुए, नाइस यार। दोस्त पीपल आर लुकिंग फॉर हलाल ऑप्शंस, जो कि मैकडोनल्ड और KFC के बर्गर नहीं खा पाते, तो बर्गर फैक्ट्री हमारी वो ऑप्शन है। किसी को हॉर्न पड़ा है और किसी हट गई टाइट वाली, नहीं हो रहे तो हम आए आज बर्गर फैक्ट्री और यहाँ पे कुछ बीफ बर्गर का कुछ शपैक सीन हो जाएगा टाइट। और सबसे बड़ी बात है हलाल, राइट है सर? हलाल है राइट? आ जा बर्गर फैक्ट्री में, एंट्री मारो ओपन, अपने अपने मुंह में मास्क लगा लो। इकोनॉमिक्स ऑफ लेयर, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है यार, इट मींस कौन सा द मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा बर्गर से दिमाग में आया यार, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। फूडी म्यूजिशियन ऑर्डर्ड द यूटिलिटी फ्रॉम बर्गर फैक्ट्री स्ट्रीट्स पर, और आई होप मजा आएगा। बर्गर बड़ा जूसी होना चाहिए, मजा आ जाएगा। और हलाल है भाई, सब अपने पाकिस्तानी देसी आंटियां, जो आंटियां हैं, जो के फुप्पो हैं, खाला हैं, जो मना कर देती हूं टेस्ट वाइज, मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूं, इट्स रियली अमेजिंग। सो आई ऑर्डर्ड जूसी तो कनाडा में हम लोगों को लॉकडाउन का बहुत शौक है, सीटें वीटें ऊपर करके रख दी हैं। बीफ चीज़ बर्गर है, आई थिंक दैट्स अ रेगुलर वन, एंड हाउ मच यू पे? $15 फॉर द कॉम्बो। $15 या फॉर द कॉम्बो, इट कम्स विद फ्राइज और एक कॉक के साथ आता है। तो ये है बीफ चीज़ बर्गर। सारी पे भी करते हो एसएल पाइस्ता
एक्टिंग हो रही है। अच्छा शो कुछ मैं जोक मारा था क्या मारा था जो मजा है ना फुल गाड़ियों पे रख के खाना खा रहे हैं लॉकडाउन के दिन। भाई आप मेरे फ्राइज में से ना खाएं प्लीज। नहीं आपका अगर बर्गर रेडी नहीं हुआ तो मेरा कसूर नहीं है। जूसी लूसी ऑन फायर। जूसी लूसी को इतना लूसी कर दिया उन्होंने उसके बाद उन्होंने फाइल लगा दी उसकी लूसी पे। यार प्लीज अपनी वो वे इतना एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा दे रहे बर्गर फैक्ट्री में। जूसी लूसी लेना चाहिए था ऑन फायर क्यों लिया उन्होंने नीचे से फाइल लगाई। फायर मोटर दे दे। हां ये फराज गोइंग फॉर द बीफ चीज बर्गर। कैसा है फराज? सही चीज पूरी चीज स्टेक वाला बर्गर है। हां लेकिन मैं आई एम हैप्पी मैन। फिली चीज दैट्स चेक माइन फिली चीज द यूटिलिटी बर्गर। भाई आ गया जूसी लूसी। ये वही बर्गर है जिसने हमें इतना वेट करवाया। ऑन फायर। आहा ये हमारे जैसे ओए होए 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 आई एम गोइंग फॉर द बाइट टू जो यूटिलिटी। गुड यार बर्गर फैक्ट्री गुड मैन। द बर्गर टेस्ट गुड इट्स नॉट टू सॉल्टी एंड स्पाइसी भी नहीं है और इसका एक अपना फ्लेवर है स्टेक का जो फ्लेवर होता है ना फिली चीज स्टेक का और चीज़ आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ मोज़रेला एंड चेडर राइट इज इट। हां सुपर पम्प मैन। ओए 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 दिमाग चेक कर और ये आप मिसेस आर ये सड़कों पे ठंडे ठंडे आप ये धोए वाले बर्गर जब खाते हैं ना इसका हिसाब पूरा करूंगा मैं पक्का। बर्गर फैक्ट्री मजा आ गया यार रजत बेस्ट है यार नहीं क्लासिक बर्गर क्लासिक बर्गर अमेजिंग बर्गर्स मैन हमेशा हलाल है भाई। हलाल खा के बोला हलाल है इसको अच्छा नहीं लगा बोला आराम की नहीं। द यूटिलिटी जूसी लूसी एंड बीफ चीज बर्गर फैक्ट्री अमेजिंग मैन आई टोटली रेकमेंड टू एवरीवन दिस इज वन इज रियली ऑन फायर राइट ऑन फायर लेजेंड या जूसी लूसी ऑन फायर नॉट जस्ट जूसी लूसी ऑन फायर। हां बिल्कुल भाई देखें इस तरह से बनाते हैं फूड स्ट्रीट किसी भी जगह हो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो यार टोटली इन लव विद दिस बर्गर मैन। ये जो भी है फिली चीज स्टिक बर्गर फैक्ट्री टोटली रेकमेंड टू हमारे देसी भाई सारे पाकिस्तान वाले जिनको हलाल बर्गर नहीं मिल रहा है यहाँ पे दिस इज द प्लेस टू गो बर्गर फैक्ट्री स्ट्रीट स्पेल। मज़ा आ गया यार मिसेस आगा मेरा ही यस एक सब्सक्राइब फूडी म्यूजिशियन ऑल्सो फॉलो अजद ऑन इंस्टाग्राम @s। चलो कोविड इज नॉट अ जोक उससे गुजरे हैं अल्लाह फासले फासले रखे और हमारी तरह ना रहे इस तरह से। नहीं नहीं हम पहले दिन लॉकडाउन में निकल गए आज पहले ही लॉकडाउन है और माशाल्लाह से हम लोग निकल गए लेकिन ये कि जो भी हुआ है आगे मामा हुआ है और हार्ट गोज टू ऑल दोस फैमिलीज जो इन मुश्किलात से गुजरी हैं और सबके लिए बेहतरी हो तमाम दुनिया के लिए सब लोग सेफ रहें और जल्दी से सबको वैक्सीन लग जाए।